एक नए शोध से पता चला है कि अगर कोई एडवांस एलियन सभ्यता बहुत तेजी से तकनीकी विकास और एनर्जी का उपयोग करती है तो वह अपने ग्रह को मात्र 1000 साल से भी कम समय में बहुत गर्म कर सकती है। इस तरह वह ग्रह रहने लायक नहीं रहेगा। ये तब भी संभव है जब ये सभ्यता नवीकरणीय ऊर्जा के भी माध्यम प्रयोग करे। अगर ये अपने सूर्य से भी लगातार सोलर एनर्जी ले और पानी से बिजली बनाए तब भी 1000 सालों में ही ये अपने ग्रह को गर्म कर देंगी। अब ऐसा क्यों होता है और क्यों हर प्रकार की ऊर्जा से सभ्यताएं अपने ग्रह को गर्म करती हैं, आइए जानते हैं। जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किसी भी सभ्यता के उतार और चढ़ाव का एक सिमुलेशन बनाया तो हर बार उन्होंने ये देखा कि कोई भी सभ्यता अगर लगातार विकसित हो रही है और बेहद ही भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करती है तो मात्र 1000 सालों में वह अपने ग्रह को इतना गर्म कर देगी कि वह फिर हैबिटेबल यानी जीने लायक नहीं रहेगा। अध्ययन में भी पता चला कि सौर ऊर्जा या एनर्जी का कोई भी निरंतर सोर्स भी उस सभ्यता को बचा नहीं सकता है। ऊर्जा की खपत में हमेशा हीट निकलती है जिस वजह से ग्रहों का गर्म होना स्वाभाविक है। हमारी पृथ्वी भी लगातार विकास के कारण गर्म होती जा रही है। जब इस स्टडी को वैज्ञानिकों ने और गहराई से समझने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी सीधे मानव जाति से तुलना की। 2023 में मानवों ने लगभग 1,80,000 टेरावाट घंटे ऊर्जा का उपयोग किया जो कि किसी भी समय सूर्य से पृथ्वी पर गिरने वाली ऊर्जा के बराबर है। इस ऊर्जा का अधिकतर भाग गैस और कोयले से आता है जो ग्रह को तेजी से गर्म कर रहा है। इस अध्ययन के वैज्ञानिक मनस्वी लिंगम कहते हैं कि अगर मानव सभ्यता नवीकरणीय ऊर्जा का भी उपयोग करे तो भी उसकी ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ती रहेगी। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें ऊर्जा की खपत निरंतर बढ़ती ही रहती है। सभ्यता हमेशा विकसित होती है जिस वजह से ऊर्जा की मांग हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है जो निरंतर हमें ऊर्जा देती रहे और हमारा ग्रह भी गर्म ना हो। लिंगम और उनके सहलेखक अमेडियो बाल्बी, जो रोम के टोर वेरगाटा विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रोफेसर हैं, ने थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को इस समस्या पर लागू करने की बात कही। भौतिकी के इस नियम के अनुसार कोई भी ऊर्जा प्रणाली पूरी तरह से 100% कुशल नहीं होती है। कुछ ऊर्जा हमेशा इस प्रणाली से बाहर निकलती रहती है। यह निकली हुई ऊर्जा समय के साथ ग्रह को गर्म कर देती है। लिंगम ने इसे लीक करते हुए बाथटब की तरह समझाया। अगर बाथटब में थोड़ा पानी है और उसमें लीकेज हो तो इस तरह पानी की केवल थोड़ी मात्रा ही बाहर निकल पाती है, लेकिन जैसे जैसे आप बाथटब में ज्यादा से ज्यादा पानी भरते हो तो इससे एक छोटी लीकेज भी अचानक से इतनी बड़ी हो जाएगी जिससे लगेगा एकदम घर में बाढ़ सी आ गई हो। तो इस तरह बाढ़ वाला घर ग्रह का वायुमंडलीय तापमान है। इस एनर्जी लीकेज के कारण ही कोई भी एलियन सभ्यता फिर किसी भी प्रकार की एनर्जी यूज करें, चाहे ग्रीन एनर्जी हो या फिर फ्यूजन, एक ना एक दिन यही एनर्जी ग्रह को इतना गर्म कर देगी कि ये रहने लायक ही नहीं बचेगा। अगर हम पृथ्वी की ओर इस स्टडी को देखें तो हमारा भी यही हाल होने वाला है। अगर हमने ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं किया और हीट को ग्रह से बाहर नहीं निकाला तो मौसम के बदलने के बाद 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी भी रहने योग्य ना रहे। वैज्ञानिकों के लिए यह 1000 साल की सीमा ब्रह्मांड में कहीं और जीवन खोजने को भी बहुत कठिन बना देती है। आखिरकार 1000 साल ब्रह्मांडीय समय में एक पलक झपकने के बराबर है। अगर पृथ्वी को देखें तो यहाँ पहली बार रहने योग्य वातावरण बनने में करोड़ों साल लग गए थे, लेकिन अब पता चलता है कि अगर हम लगातार अपनी एनर्जी की डिमांड को बढ़ाते रहे तो हीट लीकेज के कारण हम भी विलुप्त हो जाएंगे। शोधकर्ता लिंगम कहते हैं कि इसके बाद भी मनुष्यों और एलियन सभ्यताओं के लिए अन्य कई विकल्प भी हैं। विलुप्ति को स्वीकार करने या ऊर्जा उत्पादन को ऑन ऑफ वर्ल्ड स्थानांतरित करने की तकनीक विकसित करने के बजाय एक सभ्यता अपने विकास को स्थिर करने का विकल्प चुन सकती है। सभ्यता धीरे धीरे ऊर्जा की खपत करके अपने ग्रह को गर्म होने से बचा सकती है। अब अगर किसी प्रजाति ने संतुलन का विकल्प चुना है और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य में रहना सीख लिया है तो वह प्रजाति और उसकी संतानें शायद 1 अरब साल तक जीवित रह सकती हैं।